दोस्तों इस वीडियो में डिप्ले कवर करेंगे मालता वर्सेस पोटोगाल के बीच में होने वाले आज का दिन का फर्स्ट ट्वेंटी मुकाबला के बारे में और इस सीजन का पहला नंबर मुकाबला रहने वाला है जो मालता की टीम से गाइस जिनकी टीम स्ट्रॉन्ग टीम से एज कम्पेयर टू पोटुगाल के क्योंकि हम सारे स्टार्स लिखा है ठीक है मैं आपको बता दूँ तो इस सीजन में ना तीन टीम ही टीमें पार्टिसिपेट कर रही है एक और टीम है ये दो टीम है और एक और टीम है ठीक है उसमें ना आपको बताऊँ छः मुकाबले खेले जाएंगे बहुत सारी चीज़ें हम वीडियो में कवर करेंगे आप वीडियो को लास्ट तो वाज करिएगा ज़रूर बाकी वीडियो में स्मॉल लीग पिक ग्रैंड लीग पिक बताऊँगा स्मॉल लीग डिफरेंट पिक ग्रैंड लीग डिफरेंट पिक जो टी ट्वेंटी का खेला है भाई टी ट्वेंटी का लिखा है टी टेन का खेला है टी टेन का लिखा है मतलब एक एक पालक के बारे में बताऊंगा बैटिंग ऑर्डर भी बताने की कोशिश करूंगा वैसे बैटिंग ऑर्डर बताने में और थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि लास्ट टाइम में बैटिंग ऑर्डर आ जाता है मेरे पास तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर बाकी कौन कितना बार बॉलिंग करवा के जा सकता है वो भी तो कंफर्म बताऊंगा भाई बहुत सारी चीज़ें कवर किया है दोनों टीमों की तरफ से मैंने बहुत स्टेट्स लिखा है भाई लगभग ना मुझे दो घंटा लगेगा इस सिर्फ लिखने में तो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना भाई को सपोर्ट करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना देखो लास्ट टाइम का फाइनल टी फाइनल अपडेट आपको मिलेगी टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके ठीक है देखो लिंक से ज्वाइन हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर फेक चैनल बने है ठीक है यहाँ पर बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं होना है सिंपली आना टेलीग्राम ऐप को ओपन करके सर्च भी कर सकते हो एट द रेट ऑफ पॉट आपको बत्तीस सौ प्लस सब्सक्राइबर दिखेगा ठीक है इसी के आसपास सब्सक्राइबर दिखेगा यहीं क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन हो पाइएगा सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि आप लिंक से ट्राई कर लो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ठीक है तो लिंक से ट्राई कर लेना है इससे ज्वाइन हो जा पाओगे बाकी टीम में कोई चांस होता है तो उसको मैं अपडेट करवाता हूँ बाकी फर्स्ट ती, ती, ट्वेंट वाला मुकाबला बहुत ही बड़ी जा रहा है ठीक है बाकी हमारे पंडित चौधरी टी ट्वेंटी का कवर किया था भाई बहुत बहुत गजब गया मैंने गोविंद राज को रखा था बंदा बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग भी करा इनका सलेक्शन थ्री ट्वेंटी थ्री परसेंट था मतलब यार बहुत अच्छा खासा भी नहीं चल रहा है ठीक है तो जुड़ जाना जुड़ना कैसे मैंने बता दिया मजे से टाइम रहेगा तीन बज के तीस मिनट में शाम को मुकाबले होंगे बेनू बाद में बात, बात करेंगे कचहरी क्रिकेट क्लब एलेबेग पोर्टुगल में मतलब पी ओ आर की जो टीम से रह गई जिनके होम ग्राउंड पे होंगे ठीक है वैसे विकेट आपको नोटल देखने को मिलेगा एक सौ तीस से एक सौ चालीस के बीच आपको स्कोरिंग देखने को मिल जाएगा बात करेंगे जो मालता की टीम से गई जिनकी टीम से आपको बता दूँ गोपाल चतुर्वेदी वाइस इनकी बता दूँ तो गोपाल चतुर्थ देखो इनकी टीम पर मैं बैटिंग ऑर्डर नहीं बताऊंगा ठीक है वैसे क्योंकि तीन तेरह ही प्लेयर स्क्वाड अनाउंस है तो बैटिंग ऑर्डर कुछ भी रह सकता है मैं आपको बताऊंगा बैटिंग ऑर्डर कंफर्म है कि सौ परसेंट मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम पर जाना वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ कन्फर्म नहीं रहता ठीक है तो जुड़ जाना टेलीग्राम पर उम्मीद करता हूँ आपने ज्वाइन कर लिया होगा गोपाल चतुर्वेदी की बात करेंगे इन्होंने टी के मुकाबले खेले हैं सात मैच में एक सौ इक्यावन रन है इक्कीस का इनके एवरेज है हाइस्ट इनका बात है यानी एक अच्छा खासा प्लेयर है राइट एंडिक करवाता है मस्ट पिक रहेगा आप एस मोहली की टीम में खेलेंगे गोपाल चतुर्वेदी को पिक कर लेना उनके बाद आएंगे गुन एथिलिका देखो गुन एथिलिका की बात कर ली जाए तो इन्होंने अभी तक टी का को मुकाबला कोई नहीं खेला ठीक है टी ट्वेंटी में एक ही मुकाबला खेला था वहाँ पर इनको बैटिंग नहीं मिला था ठीक है तो अभी तक इन्होंने कुछ खेला ही नहीं है बाकी बैटिंग और देख लेंगे इसका थोड़ा आर्टिकल पढ़ लेंगे उसके बाद आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर रविंदर सिंह की बात करेंगे राइट एम करवाता है राइट एम पे बॉलिंग करवाता है एशियन टी का स्टार्ट है मतलब टी ट्वेंटी का ही स्टार्ट है टी आई बोलो या फिर टी बोलो आठ मैच में पाँच इनिंग छियासठ रन है लेकिन दो इनिंग में छः ओवर के बॉलिंग करा के ना बंदा विकेट भी, भी निकाला यानी बॉलिंग करेगा तो तीन ओवर से दो ओवर बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेगा रविंदर सिंह का उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहेगा आप एवरेज पिक के तौर पर पिक कीजिएगा उनके बाद आएंगे सेमुअल स्टेनलेस राइट मेटिक करवा के देंगे इनके बारे में बता दूँ ग्यारह मैच में ग्यारह इनिंग एक सौ अस्सी रन है अठारह का इनके अब यानी टी ट्वेंटी बढ़िया गया है बंदा खेलेगा तो हम मोहली की टीम में पिक कर सकते हो बैटिंग ऑर्डर देखे आप सिर्फ इस तरह का स्ट्रेस देखते जाओ मैं बैटिंग ऑर्डर लास्ट टाइम बता दूंगा उसी के अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे ठीक है हाई इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बढ़िया मैच जाएगा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ उनके बाद आएंगे जिसान खान जो इसे मैं आपको बता दू टी ट्वेंटी की बात कर रहा हूँ वहाँ पे ना सात मैच में सात इनिंग बयालीस रन का था और छः का का एवरेज है तो जिसान खान बढ़िया नहीं है छोड़ देना उनके बाद विक्रम अरोरा राइट एंड बाटी करवा के देंगे स्लो लेफ्ट एम तो बॉलिंग करवाता है इसीलिए टी ट्वेंटी के देखोगे कि तेरह मैच में तेरह इनिंग एक सौ बावन रन है तेरह का का एवरेज है प्लस नौ इनिंग में सतों दस तो एक ओवर को बॉलिंग करा के दो भी नहीं निकाला यानी बॉलिंग उतना नहीं करवाता वैसे बॉलिंग भी करवाता भी है तो दो सौ तीन ओवर ज़्यादा बॉलिंग करके नहीं जाएंगे लेकिन एक अच्छा खासा बैट्समैन भी है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है हम स्मॉल लीग की टीम में रख के चल सकते हैं और खेला तो बिलाल बिलाल मोहम्मद टीम कैप्टन से करवा के देंगे राइट एंड बैटी करवाता है लेफ्ट एंड फास्ट बॉलिंग करवाते है इनके बारे में बता दूँ इनके टी ट्वेंटी का स्टार्ट देखोगे नौ मैच में सात इनिंग निन्यानवे रन है चौबीस का इनका एवरेज है प्लस नौ इनिंग में तीस ओवर यहां पे बारह विकेट है बारह विकेट है भाई विकेट टेकर बॉलर है स्मॉल मॉल की टीम में इनको बिल्कुल भी कैप्टनशिप देख कर चल सकते हो बिलाल मोहम्मद के बाद बात कर रहा हूँ ठीक है उनके बाद आएंगे हरुण मुगल राइट एम के देंगे राइट एम स्पिन बॉलिंग करवाता है वैसे दस मैं सीखे नौ इनिंग में एक रन है बारह का इन एवरेज है प्लस ज्यादा बॉलिंग नहीं करा अपने अपने टी ट्वेंटी करियर में क्योंकि दो इनिंग में बॉलिंग करी थी तीन ओवर और एक विकेट निकाला था ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे देखेंगे बैटिंग ऑर्डर में ऊपर रहा तो ग्रैंडली की टीम में पिक करेंगे अगर कुछ बॉलिंग करने के चांसेस रहता है तो हम पिक करके बताएंगे लास्ट टाइम है टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलना इसी वीडियो को डिस्क्रीप मिल जाएगा नीरज खन्ना राइट राइटी करवा के देंगे राइट में स्पिन बॉलिंग करवाता है ग्यारह मैच के ग्यारह 11 इनिंग एक सौ सोलह रन है बारह एवरेज है प्लस ज्यादा बोले नहीं करवाता क्योंकि इन्होंने दो इनिंग में बॉलिंग करी चार बार एक भी कर मतलब नीरज खन्ना बढ़िया पिक नहीं रहेगा ठीक है देखेंगे बैटिंग ऑर्डर पूरा देखो हमारी टीम जो बनेगी ना वो बैटिंग ऑर्डर पर बनेगी मैं आपको बता देता हूँ बैटिंग ऑर्डर लास्ट टाइम प्रोवाइड करूंगा वरुण प्रसाद की बात करेंगे लेफ्टेम बैटिंग करवाता है लेफ्ट लेटम इंडिया पे बॉलिंग करवाता है टी, -टी में देखोगे ग्यारह मैच में ग्यारह इनिंग तिहत्तर रन है सात का इनके अवरेज है प्लस नौ इनिंग में सात विकेट है पैंतीस दशमलव तीन ओवर की बॉलिंग कराए काफी आप समझो का समझना क्या भाई ये बंदा खेलेगा ना तो हंड्रेड टेन परसेंट चांस है भाई ये बंदा चार बार कंप्लीट बॉलिंग करेगा और ऊपर बैटिंग करेगा तो हम स्मॉल मॉल की टीम में ना आंख बंद करके अरुण प्रसाद को कैप्टनसी कर लेंगे बिल्कुल भी उनके बाद आएंगे हैंडरिच विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते हैं राइटमेटी करवाते हैं ग्यारह मैच में ग्यारह इनिंग दो रन मुझे लगता है कि बंदा खेलेगा तो ओपनिंग करवा सकता है फिर वन डाउन आएगा हम स्मॉल मॉल की टीम में ना विकेट कीपर इनको बिल्कुल भी लेकर चलेंगे समय एक् ना विकेट कीपर बल्लबाज खेलते हैं लेकिन इनका कुछ खास स्टार्स है नहीं क्योंकि छः मैच पाँच इनिंग में छब्बीस रन है पाँच का इनका एवरेज है बढ़िया प्लेयर है नहीं हम स्मॉल मॉल की टीम में छोड़ सकते हैं अमर शर्मा करवा कर के देंगे दस विकेट है के खेलेगा चार बेक कंप्लीट करेगा अमर शर्मा नाम फिर से सुनो अमर शर्मा चार बेक कंप्लीट बॉलिंग करवा के देगा आपको उनके बाद देंगे अशोक बिश्नोई के देंगे बॉलिंग करवाते हैं टी ट्वेंटी के देखोगे नौ मैच में सात रन है लेकिन भाई सुनो क्या नौ इनिंग में ना नौ विकेट है सत्ताईस ओवर की बॉलिंग कराएगा बंदा खेलेगा गए थे तीन से चार ओवर ये भी बॉलिंग करेगा अशोक बिश्नोई जिनका नाम है भाई मास्टर पिक रहेगा रख के चलेगा उनके बाद देंगे जस्टिन सज्जू अभी तक इन्होंने अपने टी ट्वेंटी में अपने करियर में टी ट्वेंटी नहीं खेला है मैं पहले ही बता देता हूँ देखो टी टेन में देखोगे इसी एस टी टेंट यूरोपियन क्रिकेट सीरीज उस बारे में बात कर रहा हूँ इसी एस में ठीक है सत्रह मैच में एक सौ पंद्रह रन है सोलह गन कैबिजा प्लस सोलह इनिंग में इन्होंने छब्बीस ओवर की बॉलिंग करा के ग्यारह विकेट नहीं लेकिन बॉलिंग प्लस बैटिंग भी करवा सकता है वैसे ज़्यादा बैटिंग नहीं करवाता

स्मॉल टीम में गोपाल चौधरी बढ़िया पिक रहेगा यहाँ से इनको छोड़ना है रविंदर सिंह भी मेरे को अच्छा नहीं लगा ठीक है यहाँ सेमूल का पिक कर सकते हो ईशान खान को मेरे को अच्छा नहीं लगा विक्रम और रोड़ा पिक करना बिलाल मोहम्मद रहेगा बढ़िया हारून को छोड़ देना नीरज खन्ना का भी मेरा काट्ट अच्छा बढ़िया नहीं लगा वरुण प्रसाद को स्मॉल टीम में रख के चलेंगे अमर शर्मा बढ़िया पिक रहेगा ठीक है अशोक बिश्ना भी बढ़िया पिक रहेगा वसीमा अब्बास बढ़िया पिक रहेगा जस्टिस सज्जू भी बढ़िया पिक रहेगा तो हम देख के चलेंगे कि इनके कितने प्लेयर खेल रहे हैं उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कुछ भी बात करेंगे जो सामने टीम से भाई हो पी ओ की टीम से पोर्टुगल की टीम से का जिनकी टीम से आपको तो बता दूँ जो मनदीप सिंह दिखेंगे लेफ्ट राइट में बेडिंग करवाते कर हैं लेग स्पिन बॉलिंग करवाते हैं इन्होंने अभी तक टी ट्वेंटी नहीं खेला है और आपको बता दूँ एन टी टी का स्टार्ट था ठीक है चौदह चो, मैच के दो सौ दस रन है बीस एवरेज है ग्यारह इनिंग में आठ विकेट निकालेगा इक्कीस ओवर की बॉलिंग करेगा मतलब बंदा खेलेगा अच्छा खासा पिक रहेगा हम इस मॉलिक की टीम में बिल्कुल भी रख चलेंगे क्योंकि दो मुझे लगता है कि दो से चार बार बॉलिंग भी करेगा प्लस ऊपर भी खेलेगा इस रेस में देखोगे दो मैच में सत्रह रन है दो इनिंग में चार ओवर की बॉलिंग करा के इन्होंने कर दो विकेट भी, भी निकाले मतलब खेलता है बंदा मुझे लगता है कंप्लीट चार ओवर करनी चाहिए अमनदीप सिंह आप इस मॉलिक की टीम में रिश्स लेकर कप्टनशिप वाइस कप्टनशिप कर लेना मैं अभी कुछ बैटिंग ऑर्डर नहीं बता रहा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर लास्ट में बताऊँगा टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना क्योंकि बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे भाई कितने इनका बॉलर खेल रहे कितने आ, कौन सा बैटिंग क्या करेगा कुछ अभी डिसाइड नहीं है लास्ट टाइम बताऊंगा टेलीग्राम पे ठीक है वैसे ज़्यादा इनका पलर ऐसी नहीं हुआ है क्या बोलते उसको अनाउंस नहीं हुआ है तरह तरह पलर का स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो उसमें कुछ नहीं एंथनी की बात करेंगे इनका स्ट्रेस मेरे को मिला नहीं है स्ट्रेस अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा भाई कहीं पर भी स्ट्रेस इनका अवेलेबल नहीं है खेलेगा तो हम डिसाइड करेंगे लिस्ट का स्ट्रेस आपको देंगे टेलीग्राम पर जुड़ जाना अरसलान अहमद की बात करेंगे एसियन की बात करेंगे तीन मैच में तीन इनिंग बारह का एवरेज है आप इस मॉलिक की टीम अरसलान अहमद को छोड़ सकते हो टी ट्वेंटी का स्ट्रेस बढ़िया नहीं है मियाँ महमूद राइट एम एटी करवा करेंगे राइट एम इंडिया पर बॉलिंग करवाता है टी ट्वेंटी टी ट्वेंट का स्ट्रेस है एशियन का चौदह मैच में दो सौ पैंतालीस रन अठारह का इनका एवरेज है बारह इनिंग में बारह विकेट है बाईस ओवर के बॉलिंग करा के बंदा खेलेगा चार बार कंप्लीट करेगा और एक अच्छा खासा टेक्निकली बैट्समैन है मियां महमूद भी को कर सकते हो जुल्फिकार इनका अभी भी नहीं खेला स्लो बॉलिंग करवाता है इसी एन में देखोगे टी टेन का स्ट्रेस है चौदह मैच में एक सौ चालीस रन बारह के एवरेज से इससे इस में कुछ खास नहीं कराता इसी एन बढ़िया गया था देखने वाली चीज रहेगी कि बैटिंग वाले क्या रहता है नजीम सिद्दीकी टीम देंगे राइट हैंड बैटिंग करवाता है इससे टी ट्वेंटी में देखोगे चौदह चार मैचों में तीन इनिंग एक सौ छब्बीस रन एक सौ छब्बीस गेंगे एवरेज है प्लस चार इनिंग में बारह दशमलव दो ओवर की बॉलिंग करा के ना भाई बंदा निकाला है चार विकेट विकेट टेकर बॉलर आप इस मोहली की टीम में खेलेगा आंख बंद करके कैप्टनसी कर करेंगे नजम साजाद को ध्यान रखे चलिएगा उनके बाद देंगे अमीर जैब राइट एंड बैटिंग करवाता है राइट एंड प्लस बॉलिंग करवाता है इसियन टी टीम में देखोगे छः मैच में इक्यानवेव रन है अठारह का इनके अवरेज है प्लस छः इनिंग में पाँच विकेट है ग्यारह भर के बॉलिंग करा के मतलब अंदा खेलता है कोटे का दो ओवर बॉलिंग करेगा और बढ़िया पिक रहेगा अमीर जैब भी लेकिन इसी एस में इन्होंने बॉलिंग नहीं करा तब देख के चलाएगा ठीक है उनके बाद देंगे अजहराज रानी राइट एंड बैटिंग करवा के देगा इनकी बता दूँ इस सी एन का दो मैच में दो सौ उड़तीस रन है ठीक है हाँ दो मैच में दो सौ उत्तीस रन है ठीक है बढ़िया पिक रहेगा और ये दो सौ उन्तीस रन नहीं भाई सीधे अड़तीस रन है ठीक है यहाँ पे मैंने दो लिख दिए उसके लिए सॉरी दो मैच में मेंस रन अठारह एवरेज है इन्होंने सिर्फ बैटिंग ही करवाया है टी टेन में तो ध्यान रखें चलिएगा इस टूर्नामेंट को मेरे को स्टार्स मिला नहीं सूरज उल्ला को भी स्टर्स मेरे को मिला नहीं इनका स्टर्स अगर खेलता है बांधता तो स्ट्रर्स दूंगा ही दूंगा कहीं से पर दूंगा ही दूंगा ठीक है पहला बाकी मुझा टीम के विकेट कीपिंग करवा के दंगा राइट में बैटिंग करवाता है एशियन में देखो कि टी ट्वेंटी इन्होंने भी नहीं खेला है चौदह मैच में सत्तर रन है लेकिन लेकिन क्या भाई मतलब कता विकेट कीपिंग नहीं करवाता वैसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर है ठीक है क्योंकि दस इनिंग में यार पंद्रह ओवर की बॉलिंग करा के ना ग्यारह विकेट निकाला है ऊपर के मेरे को लिखना चाहिए इसके लिए लिख दे उसके लिए सॉरी ठीक है ए विकेट नहीं करवाता है जब बॉलर खेलता है आप स्मॉलिंग की टीम में इनको भी रख सकते हो इमरान खान राइट एम करवा के देगा राइट एम फास्ट बॉलिंग करवाता है इस ईयर में देखोगे कि चौदह मैच में चालीस रन नहीं तरह का इनके क्या बता जाए प्लस चौदह इनिंग में सात विकेट है पच्चीस दशमलव चार ओवर की बॉलिंग करा के मस्टे पिक रहेगा इमरान खान खेलेगा हम रख के चलेंगे जुनैद खान राइट एंड बैटिंग राइट एंड फास्ट बॉलिंग करवा कर के देगा ए में देखोगे बारह मैच में एक सौ इकतालीस रन है बार चौदह एवरेज है प्लस बारह इनिंग में ना टी का स्टार था भाई जान के चलेगा मैंने लिखा है टी का और जो टी का स्टार था मैंने टी भी लिखा है तो उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना ठीक है तो चौबीस ओवर की बॉलिंग करा के सात विकेट नहीं निकाला है मस्टे पिक राहुल भारद्वाज विकेट टेकर बॉलर आप इनको कह सकते हो क्योंकि इससे खेला था भाई लास्ट सीजन ही छः मैच में एक सौ छब्बीस रन कर रहा था पच्चीस कहीं क्या एवरेज था प्लस छह इनिंग में तीन विकेट निकाला कर था बार ओबर के बॉलिंग करा के मस्ट पिक रहेगा का चार पर बॉलिंग करनी चाहिए अब इस टीम से बात करेंगे स्मॉल लीग मस्ट पिक अमनदीप बढ़िया रहेगा और रन को छोड़ेंगे मियाम महमूद को पिक करेंगे ही करेंगे भाई देखेंगे जुल्फ़ार अहमद का बैटिंग ऑर्डर देख रखेंगे कभी लिखे छोड़ दो सजा तो कैप्टनशीप कर लीजिएगा अमीर जे आपको स्मॉल लीग की टीम में रख भी छोड़ दो छोड़ भी सकते हो अदनानी बढ़िया पी आनंदी बढ़िया पिक रहेगा ठीक है यहाँ से दोनों का स्टर्स हम लोग को मिलना नहीं आप नहीं इनको पिक करना इमरान खान बढ़िया पिक रहेगा यहाँ से भी बढ़िया पिक रहेगा यहाँ से भी बढ़िया पिक रहेगा मतलब अच्छा खाता सारे, सारे कर कर के सारे पिक है उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद रहेगा वीडियो को लाइक करके जाना भाई क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है विकेट की पसंद से बात करेंगे बाकी मजा भाई विकेट की करवा के देगा ठीक है इस की टीम है ना इनको रख सकते हो लेकिन इनकी बात करेंगे हैंड्रेज के इनका इनका स्टर्स इतना बढ़िया है ना टी ट्वेंटी का मैं बता नहीं सकता ठीक है तो हम स्मॉल लीग की टीम में ना इनको भी रख सकते हैं इनको भी रख सकते हैं स्मॉल लीग की टीम में आएंगे बैटिंग सेक्शन से चतुर्वेदी बढ़िया पिक रहेगा मियाँ महमूद बढ़िया पिक रहेगा नीरज खाना का स्टार्ट स्टर्स देखा कुछ खास एप्शन है नहीं अमनदीप सिंह को रखेंगे स्मॉली की टीम में निश जी सांसाह का स्ट्रस नहीं रविंदर सिंह का भी स्ट्रेस बढ़िया नहीं है भाई आयकल रन सेक्शन में नजम सदाद मोहम्मद बिलाल विक्रम अरोड़ा बढ़िया पिक रहेगा यहाँ से ना आनंदी वरुण प्रसाद का सिलेक्शन देखो हम इस मौलिक की टीम में इनको कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप भी कर सकते हैं उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा टेलीग्राम पर बॉलिंग सेक्शन में अशोक बिस्नई जेख खान और वसीम अब्बास राहुल भरद्वाज को रखेंगे ठीक है आप जवेद खान को रख सकते हो राहुल भरद्वाज की जगह पर चलो रख ही लेते हैं बात करें कैप्टनसी की कप्टन रहेगा वो रहेगा मेरा मैं देता हूँ सजा तो कप्टन वाइस कप्टनसी रहेगा वरुण प्रसाद ठीक है ये मेरे वाला डेमो टीम है आप कैप्टन वाइस कप्टनसी मोहम्मद बिलाल को दे सकते हो डेमो टीम में फाइनल टीम लास्ट टीम में प्रोवाइड करवाऊंगा टेलीग्राम पर आप जुड़ जाना वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा भाई वीडियो कैसा लगा लाइक मैं जरूर कर देना टेलीग्राम पर जुड़ जाना बेस्ट ऑफ लक गुड बाय